उसका ये हाल कर दिया, उसका सीधा सीधा मर्डर है ये। उसके घर पे बुला के आने, गैर बच्चे को घर पे आने जाने कैसा देते अगर एक तरफा है तो? हाँ, फिर जब सब कुछ नहीं मालूम था तो उसके बाप को, उसके माँ को, सब जो औरत अपने शौहर को मार सकती उन्हें बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकती? हमारे पूरा 100% शक नहीं, पूरा यकीन है। किसके ऊपर है आपको? बच्ची के ऊपर और बच्ची के वालदा के ऊपर। जो आपके भाई को मारे? जो मारे। ठीक भाई, मेरा छोटा भाई है जमाल, इसका इंतकाल हो गया है। बच्ची के घर पे गया था, उन्हें एक बच्ची से, उन्हें बच्ची को पसंद करता था, उसके सेठ की बच्ची थी जो दुकान में काम करता था, मोहसिन नाम है उसका, एक्सपोर्ट टेलर, गुंडल की रोड पे शॉप है उसकी, वहाँ पे काम करता था। और उन्हें घर को भिजाना, सौदे लाना करना, उस दरमियान में बच्ची से उसको जो है अटैचमेंट हो गया और बच्ची को पसंद करता था। वालदा उनको लेके गया उन्हें बात करने कराने, लेकिन उसके वालदा उसको इस्तेमाल कर लिए, बच्ची के वालदा और बच्ची मिलके उसको चढ़ा दिए, जज्बात में ला दिए। उसके वालदा ये बोले उसको, बच्ची देती हूँ तेरे को, मगर उसके शौहर, मेरे शौहर को मारे तो बच्ची देती हूँ। उसकी वजह यह है, उसका शौहर जो मोहसिन है दूसरी शादी कर लिया, उसकी पहली बीवी की बच्ची है ये शायद, तो उन्हें उसको मारने का उसको वो दी, अगर मारे तो बच्ची देती हूँ बोल के बोली। उन्हें जज्बात में आया, हम लोग समझाए उसको, उन्हें रुक गया, लेकिन बच्ची उसको, बच्ची को, बच्ची के शादी करना चाह रहा था वो। हम लोग रोके, वो लोग तो काबिल नहीं है जो औरत मर्द को मारने लगा सकती, तुम जाने की जरूरत। वालदा का ये कहना है कि वन साइड था बोल के बता रहे बच्ची के वालदा। जी, हमारी बच्ची उनसे नहीं करती थी बोल के बोल। तो वन साइड था तो बात क्यों करती थी? हमारे सामने भी महीना दो महीने पहले बात आई, बच्ची साथ बात करती थी, बच्ची को शॉपिंग कराए, वालदा खुद शॉपिंग करी। वन साइड था तो फिर मर्द को मारे तो शादी बच्ची देती हूँ बोल के कैसा बोलती? वन साइड रहे तो उनके घर पे क्यों जाता बच्चा? अगर वन साइड रहता तो उनके वालदा हमारे को बोलते थे, आपका भाई हमारे को परेशान कर रहा है, हम नहीं देना चाह रहे हैं, मर्द को मारो हम बच्ची देते बोल के, कैसी नस्ल है ये? अच्छा, आप लोग रहने वाले सैफी कॉलोनी के? जी। बच्चा गया, बच्चे का जो हादसा हुआ वो कहाँ पर हुआ? बच्ची के घर पे हुआ ये। बच्ची का घर कहाँ पर है? ये गुड़ी के दवाखाने के पास, सेंट मैरी हॉस्पिटल की गली में है। उसको चढ़ा रही थी उसकी वालदा, उसको जज्बात में फोन आ करके बोल रहे थे, समझ रहे आप? नहीं तो बच्चा वहाँ तक नहीं जाता था उस टाइम, अगर नहीं देते पहले ही बोल देते बात खत्म हो जाती थी। तो आप FIR कराए PS में? हाँ, FIR कराए अभी PS में। फलकनुमा PS एक लगता, जो घर पे बच्चा जला लिया फलकनुमा PS लगता, हमारा घर जो है उसको मैलारदेव PS लगता। ये कब से चल रहा था सर? ये 4-6 महीने से कुछ चल रहा था। 4-6 महीने से चल रहा था, फिर आप लोगों को स्टेप नहीं लिया कुछ भी? हमारे को मालूम नहीं हुआ, बच्चे है बाहर चल रहा था, उसके घर वालों को सब मालूम था, वो लोग भी इत्तला नहीं दिए। जो दुकान पे काम करता था उसके सेठ का काम था हमारे को फ़ोन करके ये चीज़ बोलना। हर चीज़ एक्सट्रीम पे आने के बाद, देते बोल के बच्चे को एग्री कर लेने के बाद, उसको लालच देने के बाद, उससे ये कामा कराने का क्या मतलब है? आज बच्चे की जान चले गई, कौन जिम्मेदार है इसका? तो अब हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप? हुकूमत से क्या चाहेंगे बोलो, हुकूमत क्या आप जान तो वापस नहीं दे सकती। तो कुछ अपील करना चाहेंगे आप? बिल्कुल चाहेंगे, ऐसे जो बेहुदा लोग हैं वो लोगों को पनिशमेंट देना, वो लोगों को सजा होना, और ऐसे लोगों को एरिया में रहने का हक नहीं है, समझ रहे? घर में रह रहे हैं ना, उन लोग के घर है वो? नहीं मालूम मेरे को डिटेल, मेरे को भाई का ये हुआ बोले तो अभी। भाई थे, इनका नाम क्या है और उम्र क्या थी? मोहम्मद जमाल नाम है इनका, 21-22 साल उम्र थी इनकी। काम क्या करते थे ये? टेलर की दुकान पे काम करते थे, जो मोहसिन नाम है उनकी दुकान पे काम करते थे। जब एक तरफा था इतना सब होने तक दोनों का काम था, वालदा का, वालिद का, हमारे को इत्तला देना। आप बच्चे की जान ले लिए सीधा सीधा आप लोग। ये वाकया जो हुआ क्या टाइम पे हुआ ये? ये 9:30 के आसपास हुआ, 9:30-10 बजे। मेरे को भी वही 10-10:30 के आसपास, मैं दुकान से आया जब भी पता चला। ठीक है।